हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। अक्सर मैं आपके पास शिक्षावृत्ति जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं, जो आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। बहुत सारे कमेंट आपके रैंकिंग को लेकर कि सर हम सुरक्षित हैं कि नहीं है। कल मैं इस पर वीडियो लाया था और मैंने आपको बताया था कि आपकी कितने पदों पर भर्ती होती है उस पर ही निर्भर करता है। कल का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप देख लें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपके रैंकिंग और मार्क्स आप लगातार लिख रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए मैं लाइव आऊँगा और लाइव आपके जो कमेंट हैं उन्हें अटेंड करूंगा और उसकी रिप्लाई वहीं की मैं दूंगा। तो बहुत सारे जो कमेंट्स हैं जिनके मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, उनके मैं लाइव आकर ही रिप्लाई दे दूंगा दोस्तों। तो बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूं। अब हम बात करते हैं EWS को लेकर दोस्तों। आपको मालूम है कि 2018 का नियम जो है शिक्षक भर्ती को, उसको में बदलाव किया गया था। EWS जो है 50% नंबर के साथ क्वालिफाइड माने गए हैं, यानी कि अब उन्हें भी 75 नंबर में क्वालिफाइड माना जाएगा। लेकिन हम PAB की बात करें तो ये नियम अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया है। वहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो डिसक्वालीफाइड ही बताया जा रहा है EWS को, यदि वो 90 से नीचे नंबर लाते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें मांग करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसके लिए मुहिम लाने वाला हूं। साथ में दोस्तों ये नियम जो बदलाव हुआ है वो बिल्कुल लागू हो सकता है और जो PAB वेबसाइट है उस पर आपका रिजल्ट फिर से अपडेट किया जा सकता है दोस्तों। इसके लिए आप तैयार रहें कि जो आपका रिजल्ट अभी शो हो रहा है वो फिर से अपडेट हो सकता है। जो EWS भाई बहन अभी डिसक्वालीफाइड हैं वो क्वालिफाइड हो सकते हैं, क्योंकि नियम जो है 2018 शिक्षक भर्ती के नियम में बदलाव किया गया है, जबकि जो आपकी वर्ग 3 की विज्ञप्ति निकली वो 2020 में निकाली गई थी जब आपके आवेदन कराए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से जो है EWS वाले अभी ना उम्मीद ना हो और उम्मीद रखें, बहुत जल्दी ये अपडेट हो जाएगा। और साथ साथ में यदि आप मांग भी करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर भी विभाग पर आ जाएगा, जिससे कि इसमें गति बनी रहेगी। साथ में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पद आने चाहिए, उसके लिए लगातार संघर्ष जारी है जमीनी स्तर पर, सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर हमें इसकी भी लगातार मांग करनी चाहिए। बहुत से भाई बहन खपा है कि सर ये जो एग्ज़ाम कैंसिल होना था और आप जो है कहीं पद वृद्धि की बात करते हैं, कहीं निष्पक्ष जांच की बात करते हैं, रिजल्ट जारी करवाने के लिए मुहिम लाते हैं। तो दोस्तों आप स्वयं सोचें कि जो भी ये बात कर रहे हैं उनके पीछे उनका मकसद क्या है। मेरा पूरा चैनल है वो बिजनेस पर्पज़ से नहीं बना, यदि बना होता तो शुरू में ही मैं आपको ऐप बेचने लगता या फिर अपने नोट्स बेचने लगता या कुछ ना कुछ आपसे रेवेन्यू करवाने की कोशिश करता कि भैया हम जो है एग्ज़ाम के लिए ये कैंसिल करने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो डोनेशन दे, ये सब चीज़ें करता। लेकिन मेरा वो मकसद है ही नहीं। तो जब मेरा वो मकसद है ही नहीं तो फिर मैं जो सच है वही आपके सामने रखूँगा। और सच्चाई यही है दोस्तों कि कहीं भी कुछ विसंगतियाँ थी उस संबंध में तो विभाग ने निर्णय ले लिया है, लेटर जारी कर दिया है और आप उसकी मांग कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल निष्पक्ष जांच और गहराई के साथ जो भी आपके मन में डाउट है वो विभाग को बिल्कुल क्लियर करने चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए। जहां आप एग्ज़ाम कैंसिल की बात करते हैं दोस्तों, तो नाइंसाफ़ी उन लोगों के साथ होती है जिनने दिन रात पढ़ाई की है। जैसे मैं अभी बात करूं, वर्ग एक और वर्ग दो की भर्ती फिर से आने वाली है, नोटिफिकेशन फिर से जारी होने वाला है। अब अभी से लेके और आपके जो भी 4-5 महीने का समय बचेगा उसमें लोग जी जान से मेहनत करें, दिन रात एक कर दें, अपने घर के जो भी काम है उन्हें करते हुए अपना काम जो पढ़ाई का काम है करीबन 10-10, 12-12 घंटे दें, उसके बाद उनके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आए, फिर कोई उठकर कहने लगे कि नहीं एग्ज़ाम तो कैंसिल होंगे, तो आप सोचें कि उनकी क्या दशा होगी। हो सकता है बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाएं, कोई लोग गलत कदम उठा लें, तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। अब यहाँ पर जो भी ये बात की जाती है दोस्तों, आप कहें कि यदि मान लो एग्ज़ाम फिर से होती है तो क्या आप हमें नोट्स फ्री में देंगे, क्या आप हमें ऐप फ्री में देंगे, क्या हमें आप पढ़ाई फ्री में कराएंगे। एक क्वेश्चन उनसे करना, उसका आंसर लेने की कोशिश करना, यदि मिल जाए तो, हालांकि मिलना नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करना, क्योंकि कोशिश करने से जो होती है कभी कभी सफलता मिल जाती है, तो करके देखना दोस्तों। तो जो आपका समय है वो आप कैसे व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि आज का समय आपका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस चक्कर में ही लगे हो कि कभी वर्ग 3 फिर से कैंसिल होगी, फिर से हमें एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, तो क्या आपकी वो तैयारी है? यदि है तो वर्ग 1 और वर्ग 2 की तैयारी करें, क्योंकि आप यदि अपना समय का सही यूज नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो आपके समय का कोई और यूज कर ले जाएगा और वो अपना रेवेन्यू कमा ले जाएगा, चाहे व्यू के माध्यम से हो, चाहे डोनेशन के माध्यम से हो, चाहे ऐप बेचने के माध्यम से हो, चाहे अपने कोर्स बेचने के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से सही, लेकिन आप वहीं की वहीं रह जाओ।
आज मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं जो अच्छे नंबर लेके आए हैं या जो क्वालिफाइड भी हुए उनके भी वहाँ पे चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि वर्ग तीन में ज़्यादा पद आने वाली है, उसकी भी लगातार प्रयास रहेगा दोस्तों। और वो जब श्रेय देते हैं कि सर हम आपके चैनल से जुड़े हैं तो हमें ये गाइडेंस मिला, इसके बाद हमने ऐसी तैयारी की, वो उनका बड़कपन है। अतुल कुमार शर्मा ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैं कहूँगा आप मेरे चैनल से ये सोचकर जुड़ रहे हो कि अतुल कुमार शर्मा ने कुछ कर दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। और जहाँ तक एक भाई ने कहा कि जो है सर मैं आपके चैनल को अनसब्सक्राइब करूँ, क्योंकि उनके मन में ये था कि जो है एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, तो नहीं हुए, क्योंकि घोषणाएं तो उनने भी की थी, हर एक कमेंट में करते थे कि सर अब तो ये कैंसिल का जो है आदेश जारी होने वाला है, वहाँ से जारी होने वाला है। मैं कहता था भैया हो जाए जारी तो बता देना, वैसे मुश्किल है। मैंने उन्हें यही कहा कि आप पढ़ाई करें, इन चीज़ों में न भूलिए। लेकिन दोस्तों आप मेरे यदि इस चैनल को देखोगे तो मैंने तो कभी नहीं कहा आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हाँ, कोई मुहिम की वीडियो होती है जो कि सभी तक सूचना पहुंचनी चाहिए तो उसे मैं शेयर करने की बात जरूर करता हूँ, सब्सक्राइबर की वहाँ भी बात नहीं करता। करीबन 1-1.5 साल हो गया मैंने इस चैनल के किसी भी वीडियो में सब्सक्राइब की बात ही नहीं की। कारण यह है कि मुझे अब सब्सक्राइबर नहीं चाहिए दोस्तों, जितने हैं उनके ही काम में आ जाऊँ, वही बड़ी बात है। आप देखेंगे तो मैं अपने अब जो टैग है वो भी एक से रखता हूँ, अतुल कुमार शर्मा द्वारा शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी, ये एक से टैग, जिससे कि अलग अलग टाइटल रखूँगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे चाहिए नहीं एक्स। इसलिए मैं हमेशा एक से टेक्स्ट रखता हूँ, सभी एक से थम, तो सब एक से ही रखता हूँ, जिससे कि मेरी सर्चिंग में आए नहीं। और मैं यदि आप MP टेट सर्च करोगे तो मेरे वीडियो उस सर्चिंग में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका था कि अपनी वीडियो को सर्चिंग में ना लाया जाए, तो वो मैं अपना रहा हूँ। आप मुझसे जुड़ रहे हो तो यकीन माने कि मैं आपकी नियुक्ति तक आपका साथ दूंगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं उसका दायित्व लेता हूं, क्योंकि आप यदि मोटिवेटेड रहोगे, सही से मेहनत करोगे और सही रास्ते पे चलोगे तो ज्वाइनिंग पा जाओगे। और इसका उदाहरण है वर्ग एक और वर्ग दो के वो बहुत सारे कमेंट जो कि आज भी डले हुए हैं, कई बार मैं शेयर भी कर देता हूँ। अभी वर्ग तीन के जिनके अच्छे नंबर आए उनके कमेंट डले हुए हैं, आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज का जो वीडियो है उनके लिए भी खास है, जो कि कहीं ना कहीं नाउम्मीद हो चुकी हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हो सकता है। यदि आप ऐसे लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दें जो कि अपने बिजनेस पर्पस से आपका यूज कर रहे हैं, तो आप अपना समय अपनी उन्नति में यूज कर सकते हैं दोस्तों। आपका समय महत्वपूर्ण है, जो आज आपका समय है वो या आप पढ़ाई में लगा दो, या फिर ऐसी किसी चीज़ में लगा दो, या भैंस में लगा दो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, हर इंसान स्वतंत्र है, भगवान ने हर इंसान को स्वतंत्र बनाया है, उसे 24 घंटे दिए हैं और उसे स्वतंत्र कर दिया कि भैया तुम्हारी मर्जी है, 24 घंटे मैंने तुमको दे दिए हैं दिन में, अब तुम इसका कैसे भी यूज कर सकते हो। और डेली ये 24 घंटे आपको मिलती ही मिलती हैं, तो आपके ऊपर है। अतुल कुमार शर्मा आज कह रहा है, हो सकता है कल से कहे नहीं, हो सकता है परसों से उसका चैनल भी ना रहे, लेकिन आपकी ज़िंदगी तो आपके हाथ में है, बनाना ना बनाना आपके हाथ में है दोस्तों। तो ये तो मेरी तो जो कोशिश रहेगी, जो प्रयास रहेगा, वो जारी रहेगा जब तक ये चैनल है। और जिस दिन चैनल हट जाएगा, किसी फील्ड में किसी की भलाई के लिए मैं अलग से काम कर रहा हूँ, ये फील्ड नहीं तो कोई और फील्ड चाहिए, ठीक है ना। तो जब तक एजुकेशन फील्ड में हूँ मैं आपके पास वीडियो ला रहा हूँ और प्रयासरत रहूँगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं जिन्हें कि मैं इस वीडियो पर बता दूँ तो आप भी सोचोगे कि सर ऐसा कोई कैसे लिख सकता है या मैसेज भेज सकता है। चूँकि छोड़ते हैं उस बात को और हम सिर्फ इस पर रहते हैं कि वर्ग तीन जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पद आएँ, जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग हो, और वर्ग एक और वर्ग दो की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी मैं लगातार वीडियो और सूचनाएँ लाता रहूँ। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।